brother is set to go to the polls next month. Joining me now, right at the very top, our newsmaker at the moment, the Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur joins us. Mr. Thakur, appreciate your joining us. The fact is, can the BJP beat anti-incumbency in Himachal? The BJP, traditionally every 5 years the government has changed. Kya aapki sarkar ye rotation cycle jo hai, can you really beat it? हम आश्वस्त हैं अब की बार जिस प्रकार से माहौल को हम देख रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी और उसकी वजह यह है कि 5 वर्ष के कार्यकाल में अथाह विकास हिमाचल प्रदेश में हुआ, हर क्षेत्र में हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनने बहुत बड़ा सहयोग किया है, उसके लिए हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ऐसे में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, पहले जो नहीं हुआ है ये नहीं होगा और नहीं होगा ऐसा नहीं होता है, कभी भी कभी न कभी हो जाता है और अब की बार ये होगा, निश्चित रूप से होगा और भाजपा की सरकार बनेगी। पर जयराम ठाकुर जी, जो पोल सर्वेज आ रहे हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आ रही है कई मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी और पेंशन स्कीम पे, कहीं ना कहीं क्या ये इलेक्शन आपके लिए बहुत टफ है इस समय? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दे सदैव सभी चुनाव के मुद्दे होते हैं। महंगाई हर चुनाव का मुद्दा होती है, चाहे छोटा चुनाव है बड़ा चुनाव है, और उसके साथ साथ में बेरोजगारी हर चुनाव का मुद्दा होती है, तो इसलिए ये मुद्दे निश्चित रूप से हैं। हाँ, जहां तक आप पेंशन वाला ये ओपीएस का विषय उठा रहे हैं तो इसको कांग्रेस वाले इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, ओपीएस लागू किसने की थी? लागू तब हुई थी जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जब वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर उनको लगता है कर्मचारियों को जो इस तरह की बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतिहास में जाना पड़ेगा उनको, किसको लागू करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के नेता उस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने लागू किया। और आज ओपीएस की अगर मांग कर रहे हैं, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है सही मायने में वहां पर लागू कर पाए हैं क्या? अभी कागजी कार्यवाही है, कुछ जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं उसमें हुआ है। जयराम ठाकुर जी, ये जो पेंशन का मुद्दा है, लेट मी एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स, देयर इज एन ओल्ड पेंशन स्कीम व्हिच द कांग्रेस वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक, व्हिच गिव्स 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी टू गवर्नमेंट सर्वेंट, लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन हिमाचल। तो जैसे आपने कहा, कांग्रेस एक तरह से जयराम ठाकुर जी इश्यू पेंशन को बना रही है। टुडे प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में थी, उनकी रैली हुई, उन्होंने वहां वादा किया है कांग्रेस पुरानी पेंशन स्कीम लाएगी अगर वो सत्ता में आती है। आपको नहीं लगता इसका कोई असर पड़ेगा? आपके स्टेट्स में बहुत ऐसे लोग हैं सरकारी कर्मचारी। देखिए प्रियंका जी हिमाचल प्रदेश में आती रहती हैं, आज उनने कांग्रेस पार्टी की रैली की है। मैं समझता हूं कि अपनी अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, उनने अपनी बात कही है, लेकिन कोई असर नहीं होने वाला। और जो कांग्रेस की रैली हुई कोई बहुत प्रभावी रैली नहीं थी वो, जितना जरूर है कि उनने एक शुरुआत करने की कोशिश की है, लेकिन इसका परिणाम उनके हिसाब से नहीं हो पाएगा। हमारी पार्टी के नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार पहले भी आ चुके, आने वाले समय में फिर से आएंगे। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज आप इस बात को देखेंगे, पिछले कल ही प्रधानमंत्री जी हमारे ऊना जिला में आए थे, चंबा में आए थे, और उससे पहले आदरणीय मोदी जी बिलासपुर आए थे, कुल्लू आए थे, और कल अमित शाह जी हमारे सिरमौर जिला में आने वाले। तो इसलिए हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, हमारा नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में आकर के हमें बहुत बड़ी ताकत दे। जयराम ठाकुर जी, आपकी बात सुनते लगता है कि आप बिल्कुल आश्वस्त हैं कि आप जीतने वाले हैं, लेकिन अगर आप इतने सर्टन हैं कि आप जीतने वाले हैं तो इतने सारे नेता जो कांग्रेस से रिजाइन कर रहे हैं वो आप बीजेपी में उनको क्यों ले रहे हैं? व्हाई आर यू टेकिंग सो मेनी कांग्रेस लीडर्स इन बीजेपी? लेकिन देखिए, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, किसी है कांग्रेस के नेता को जो हमको उचित लगता है कि भाई इनको शामिल किया जा सकता है, वो अगर वो आग्रह के साथ हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में उनको लग रहा है उनका भविष्य समाप्त हो गया, उनका भविष्य कुछ है बचा नहीं हुआ, तो ऐसे में निश्चित रूप से उनका स्वागत हुआ है। लेकिन हम सभी को नहीं ले पा रहे जैसे वो चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारी पार्टी में आ रहे हैं उनका स्वागत करते हैं।
अभी देखिए, अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के दो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, वो दोनों वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए। जनाब ठाकुर जी, एक अगर दिसंबर 8 को बीजेपी की जीत होती है, आर यू श्योर यू विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर? क्योंकि आपके पार्टी के एक अंदर के एक सेक्शन है जो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, कई दावेदार हैं। आर यू कॉन्फिडेंट? क्या आपको पूरा विश्वास है आप ही मुख्यमंत्री रहेंगे अगर बीजेपी की जीत होती है? देखिए, ये निर्णय मेरी पार्टी करती है, मेरे पार्टी का नेतृत्व तो करता है। मेरे जिम्मे काम है हिमाचल में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करना, मैं वो काम कर रहा हूं। मेरा आखिरी सवाल जयराम ठाकुर जी, अगर बीजेपी चुनाव आपके नाम पर लड़ रही है या प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़ रही है? इसी इंटरव्यू में यू हैव यूज्ड मिस्टर मोदीज नेम 3-4 times ऑलरेडी। हमने सुना है कि कल जब मोदी जी की रैली हुई थी और वो वहां पहुंचे थे तो ये नारे लग रहे थे, शेर आया शेर आया। तो पूरा आपका भरोसा एक तरह से लगता है मोदी जी पर है ज्यादा और स्टेट गवर्नमेंट पर कम? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मजबूत नेता हैं, शेर की तरह चलते हैं, शेर की तरह काम करते हैं। अगर नौजवानों ने ये संज्ञा दी तो स्वाभाविक रूप से वो उनके काम के हिसाब से, उनके जो सारी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो मेल करती, और निश्चित रूप से उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ है। और स्वागत स्वागत में इस तरह का नारा लगना मुझे लगता है कोई भी इसमें कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक आप कह रहे हैं कि हम सामूहिक हो करके सब काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और उनका नेतृत्व देश के लिए जिस प्रकार से मिला और हिमाचल के साथ जिस प्रकार का उनका एक भावनात्मक एक रिश्ता है, ये तमाम सारी बातें जुड़ेंगी जिससे भाजपा का रास्ता सरल होगा, सहज होगा।